हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और देखेंगे जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता रहा है, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, जो व्यक्ति आपके दिल दिमाग में हर वक्त रहता है या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपको लेके करेंटली क्या सोच रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हर एक से रेजोनेट नहीं कर सकती है या फिर समटाइम पॉसिबल है कि 100% रेजोनेट कर जाए। ये एंजल की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इसी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है मेरा, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आपकी जो भी क्यूरी है यानी जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, चार्जेस वगैरह जो भी कुछ आपके मन में है सवाल, ठीक है? तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करें व्यूअर्स। यहाँ पे इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी सबके लिए। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए जब मैं इस कैंडल को लाइटन अप कर रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं। आप उनका नाम मनीमन दोहराइए या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। ओके, कुछ लोग ले व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, दिस पर्सन डजंट वांट टू टॉक टू यू, मतलब आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे पर्सन। किसी वजह से नज़र आ रहा है कि हर्ट है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, मे बी आपकी कोई बात इस व्यक्ति को आपने मे बी कुछ बोला हो, वो बहुत ज़्यादा या तो इनके बुरी लग गई है या फिर उस व्यक्ति की उस बात को लेके आपसे बात करने की दोबारा हिम्मत नहीं हो रही है। कोई आर्ग्यूमेंट हुआ आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में, लास्ट टॉक में भी आर्ग्यूमेंट पर जाके क्लोज हुई, उसका कोई सलूशन नहीं निकला, ऐसा नज़र आ रहा जब से इन्होंने भी आपके लिए चुप्पी ले रखी है और आपने भी इनको लेके चुप्पी ले रखी है। मतलब कोई एक दूसरे को लेके कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। बट आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जैसे उस बात को ये भी अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल पाए, यानी वो आर्ग्यूमेंट को, उस सिचुएशन को अपने दिमाग से ये नहीं निकाल पा रहे, उसी को ओवर एंड ओवर रेथिंग करते चले जा रहे हैं, उसके बारे में और ज़्यादा सोचते चले आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मे बी आप इनसे कुछ सुनना चाहते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन उस समय आपको नहीं बता पाए, नहीं कुछ कह पाए, मतलब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया आप दोनों के बीच में, जिस वजह से नज़र आ रहा है कि जो कनेक्शन होना चाहिए था, जिस तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं बढ़ पाई। तो दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू। मैं यहाँ पर ये कहूँगी मिसिंग करने की एनर्जी दोनों तरह की, अच्छी और बुरी दोनों हैं। यहाँ पर आपके पर्सन दोनों तरह से अगर मैं देखूँ तो दे वॉन्ट टू से समथिंग, जो ये नहीं कह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको कहने की चाहत है आपसे, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये अपनी बातें आपके सामने कैसे रखें, कैसे एक्सप्रेस करें। इनके पास में कहीं ना कहीं मतलब एक तो आपको ये फेस नहीं कर पा रहे, मे बी इनसे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मतलब सिचुएशन ऐसी हुई है, ख़राब हुई है। मतलब यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये बोलूँगी कि मे बी आपने इस व्यक्ति को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ आपने इस व्यक्ति को प्रोवाइड करवाया होगा, प्यार भी है, केयर भी है, फाइनेंशियल हेल्प भी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ इस व्यक्ति को मिला है और ये व्यक्ति इस चीज़ को जानते हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ दिया है, बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो जस्ट बिकॉज कि इनको आज आपके सामने आने से डर सा लग रहा है। डर क्यों लग रहा है व्यूअर्स? क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप इनको पता नहीं और भी क्या क्या सुना सकते हो, और भी कुछ कह सकते हो, ये कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन का व्यूअर्स अगर मैं माइंड सेट यहाँ पे देखूँ, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कहूँ, लेट गो कहूँ, या फिर आपको इग्नोर करना कहूँ, दोनों तीनों तरह से अगर मैं देखूँ, दिस पर्सन ये ऐसा नहीं करना चाहते थे। इनके लिए आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल पाना या तुमसे मूव ऑन कर पाना मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, या वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, एक ऐसी सिचुएशन में ये मतलब आपके पर्सन फंस गए थे कि उनको ये डिसीजन आपको इग्नोर करने का, आपको लेट गो करने का लेना पड़ा। इतना ईजी नहीं है आपके प्यार को भुला पाना, इतना ईजी नहीं है आपके एफर्ट्स को इग्नोर कर पाना, जो भी आपने इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगाए हैं। मुझे यहाँ पर लोटस की एनर्जी मिल रही है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है कि इस व्यक्ति की तरफ आपके जो एफर्ट्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वर्थेबल हैं, उनकी वर्थ को आज आपके पर्सन यहाँ पर समझ भी पा रहे हैं। और मे बी हो सकता है आपने इस व्यक्ति की फाइनेंशियली काफ़ी मदद की हो,
क्योंकि मैंने प्रीवियस एनर्जी में भी अभी जो हमने देखा था उसमें भी नज़र आया था कि आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली में भी हो सकता है हेल्प की हो, इनके करियर को लेके हो सकता है, इनकी जॉब लगवाने को लेके हो सकता है, इनके परिवार में अगर किसी के हेल्थ इश्यूज चल रही थी तो उसमें लेके हो सकता है। बट आपने किया ऐसा, आपने किया और आपके पर्सन को ये सब चीज़ें मतलब समझ में आती हैं कि हाँ आपने जो किया है वो इतना ईजी नहीं है उसको भुला पाना, आप भी नहीं भुला सकते। आप इनको क्या देख रहे हो उस समय, इनकी जो इमेज आपकी नज़रों में क्या बन चुकी है, ये एक धोखेबाज पर्सन है, इसको ये एक कहते हैं ना नमक हराम टाइप समथिंग, कि आप ऐसे आपके पर्सन ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके साथ में नमक हरामी की है, यानी आपने उसको बहुत कुछ दिया बट स्टिल उस व्यक्ति ने आपको धोखा देकर अपनी लाइफ में आपको ही चीट कर दिया और आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी। आपको इन सब सवालों का जैसे जवाब चाहिए और आपके पर्सन यहाँ पर नहीं कह पा रहे हैं। आपको व्यूवर्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मे बी उनके लिए ये जो सिचुएशन है जो उनके सामने क्रिएट हुई थी, उनके पास में सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो आपको चुन लें या किसी और को चुन लें। बट ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इस व्यक्ति ने उस समय जो सिचुएशन क्रिएट हुई दैट्स वाई उन्होंने किसी और व्यक्ति को चुना अपनी लाइफ में। लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि इनको आपके साथ में गलत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो चीज़ें भुलाई जाने वाली नहीं हैं। ना तो आपका प्यार ये पर्सन भुला पा रहे हैं, ना ही आपको ये पर्सन भुला पा रहे हैं, ना ही उन बातों को ये पर्सन भुला पा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुई हैं। तो मैं इस व्यक्ति को व्यूवर्स देख रही हूँ कि स्टॉक एंड वॉच करते हुए आपको, अगेन दिस पर्सन स्टॉक एंड वॉच कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इस पर्सन को व्यूवर्स पता है आप इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर आक्रोश नज़र आ रहा है, और ये पर्सन व्यूवर्स राइट ना तो ऐसा नज़र आ रहा है जिसे आपको फेस ही नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि आपका जो गुस्सा है वो ये पर्सन नहीं देख सकते, क्योंकि आपका हमेशा से इन्होंने बहुत ही लविंग चेहरा देखा है, बहुत ही प्यारा चेहरा देखा है, लेकिन आपके अंदर इतना गुस्सा होगा ये इस व्यक्ति ने कभी नहीं सहा है, ना ही कभी देखा है। थर्ड पार्टी की वजह से ही व्यूवर्स ये गुस्सा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के अंदर, जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लेके पनप रहा है। बट दिस पर्सन सेज कि मुझे जैसे ज़रूरत है तुम्हारी, बेशक मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बट इस पर्सन का जो कहूँ इंटेंशन है व्यूवर्स वो आपको छोड़ नहीं पा रही है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन हाँ ये रियलिटी है व्यूवर्स। जितना ज़्यादा आपके पर्सन आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही आपके बारे में सोचते चले जाते हैं, और ज़्यादा आपके बारे में मतलब इस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं अट्रैक्शन को लेके वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, हाल फिलहाल में हो सकता है आपके पर्सन ने आपकी कोई पोस्ट को देखा है, कोई पोस्ट ऐसी आई है इनके सामने जिसमें आपने इनको लेके कुछ बोला है या फिर आपने कुछ इनको लेके शो किया है, और आपके पर्सन को उसको देख के आंखों से आंसू नहीं रुक पाए, इस व्यक्ति के रोने लगे बहुत ज़्यादा कि यार ये पर्सन अभी भी मुझे लेके ऐसा फील करता है जबकि मैं इसके साथ में ऐसा कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। दे फील अशेम, दे फील रिग्रेट कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे कि आपकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए था। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी मिल रही है कि मे बी जब आप दोनों इस व्यक्ति के साथ में मतलब इस कनेक्शन में आए तो पहल आपके पर्सन ने ही किया आपकी तरफ, उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपकी तरफ अप्रोच की, आपसे प्यारी प्यारी बातें करना स्टार्ट की, आपको फील कराया कि ये आपके साथ में अट्रैक्शन में है। बट कुछ गड़बड़ी होती है ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेके कुछ थर्ड पर्सन को मे भी कुछ पता चलता है, कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में मे भी हो सकता है ऑलरेडी पहले से हो, तो जिसको जब ये कुछ पता चलता है या किसी अनदर पर्सन के सामने ये बात जाती है व्यूअर्स, तो आपके पर्सन डर के मारे ऐसा नज़र आता है कि स्टेप बैक लेते हैं। डर लगता है इनको कि मे बी इनकी बदनामी ना हो, इनकी बदनामी होने का इनको बड़ा ही डर था। आपके साथ में क्या बीतेगी, आप कितना आगे इस व्यक्ति को लेके आ चुके हैं, या फिर आप मे बी शुरू में इस कनेक्शन को लेके नहीं थे कि आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, आप जैसे अपनी सीमाएं जानते थे, बट दिस पर्सन इन्फ्लुएंस यू और आपकी जो फीलिंग्स थी उसको इस व्यक्ति ने उनके जैसे कहते हैं दिल के तारों को छेड़ दिया। फिर आप इस व्यक्ति की तरफ जब आगे बढ़ने लगे तो इस पर्सन ने व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर डाल दिया। और यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय पूरा का पूरा आपके ऊपर चला गया है, आपकी इमेज को यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स, कुछ लोग के पर्सन तो ऐसे भी हैं जहाँ पर वो आज आपको लेके सॉरी बोल रहे हैं, कह रहे कि जैसे मेरे सामने कोई और सिचुएशन थी ही नहीं, मुझे या तो खुद को बचाना था या फिर मुझे आपको देखना था तो मैंने खुद को प्रोटेक्ट करना, हाँ ये सेल्फिश हो गए। आपके पर्सन यहाँ कह रहे हैं कि आई वाज बिकम सेल्फिश, मुझे खुद के बारे में या खुद की फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना था, ठीक है मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था, इतना बड़ा रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी, दैट्स वाई
सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाला गया और आपको इन सब सब चीज़ों का बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि कोई कीमत ही चुकानी पड़ी है। बहुत कुछ आपने इस व्यक्ति के लिए कर दिया, लेकिन स्टिल अभी अभी तक आप पे ऑफ कर रहे हो, अभी तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अभी तक आप वो आपको वो चीज़ें परेशान कर रही हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा इस व्यक्ति ने जब खुद मेरी तरफ एक्शन लिए तो क्यों मुझसे दूरियां बनाई, क्यों मुझसे मतलब इस तरह से दूरियां क्रिएट करी। ठीक है, तो आप उस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं चाहते हो और इस व्यक्ति को भी बस पता है कि आप उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाए हो। तो इस व्यक्ति के मन में अगर मैं देखूँ बस आपको लेके आज भी रिग्रेट नज़र आता है, नेगेटिविटी नज़र आती है और ये शर्मिंदा है, नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं आपसे, आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ व्यूवर्स इस व्यक्ति की तरफ से एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने कह रहे हैं कि जस्ट फॉरगिव मी, जस्ट फॉरगिव मी, कि काश तुम मुझे माफ़ कर पाओ, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ करने के लिए राइट की ये जानते जैसे गलती हाँ इनकी थी, लेकिन गलती के जो कीमत है वो आपने चुका दी, सारा का सारा आपके ऊपर ब्लेम आ गया, लोग आपको गलत समझने लगे, लोगों ने आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखा, इन्होंने भी मतलब लोगों की बातों में जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोए, लोग जैसा बोल रहे थे इन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ करी, लोगों ने कहा हाँ तू गलत नहीं होगी या यही गलत होगा या फिर यही गलत इसी ने तुझे इन्फ्लुएंस किया होगा, इसी की गलती रही होगी, वो मतलब मैं तो तुझे जानता हूँ या जानती तो ऐसा नहीं है, मतलब आपकी इमेज को बिल्कुल यहाँ पर ऐसा दिखा दिया गया जिस लाइक अ कैरेक्टरलेस पर्सन कि आपका ऐसा है, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि लेकिन दुनिया तुम्हें चाहे जैसा भी देखती हो, जैसा भी फील करती तुम्हारे बारे में, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ जानता हूँ तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो, लेकिन मैं इस चीज़ को आके सामने से नहीं बोल सकता, जस्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, मैं इस चीज़ को सामने से आके नहीं बोल सकती कि सारी गलती मेरी थी या फिर मैंने ही तुम्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस किया या फिर मैं ही तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाते हुए आया था या आई थी। ठीक है, तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन ने क्या किया, आपको लेट गो कर दिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, क्योंकि उनको अपनी फैमिली बचानी थी, उनको अपना अपने अपनी इमेज बचानी थी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको जो बुरा बनाया तो उसको लेके आज ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसी वजह से आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो यहाँ पर आपके सामने नहीं आ रहे हैं, जैसे भागे भागे से फिर रहे हैं आपके सामने से आने से, आपको अप्रोच नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, इवन दो आप उनसे बात करना चाह रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इमेज ख़राब हुई है लोगों के बीच में। ठीक है, लोग आपको गलत निगाह देख रहे हैं, आपके आसपास के लोगों का जो मानसिकता आपको लेके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मे बी वो उसको मतलब आपके करियर में जो रिलेटेड लोग हैं वो हो सकते हैं, आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या लगा कि यार यही इंसान गलत है, लेकिन जबकि वो लोग आपको जानते थे, आपका करेक्टर बिहेवियर वो लोग जानते थे, स्टिल वो भी कहते ना कहते हैं जिस चीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस चीज़ को ज़्यादा बोला जाता है लोग उसी को सच मान लेते हैं, जस्ट लाइक सोशल मीडिया जो आजकल चल रही है जिस पे जो कुछ फैलाओ तो इंसान उसी को सच मान लेते हैं, जांच पड़ताल कोई नहीं करता। इसी तरह आपके साथ में हुआ है कि आपके बारे में किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की और ये सब चीज़ें हो गई आपके साथ में। तो आज आपके पर्सन बस इसलिए आपको बोल रहे हैं जस्ट सॉरी, उनके पास में सॉरी के अलावा कुछ नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि मेरे पास में सिर्फ तुम्हारे लिए यही है और मैं इस नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ या जल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर से नहीं जा पा रही है, मैं इस नेगेटिविटी से ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, इवन दो मैं अपनी लाइफ के डेली रूटीन के काम भी कर रहा हूँ ये कर रही हूँ, मेरा उसमें भी ध्यान नहीं लग रहा है। तो इस पर्सन का व्यूअर्स राइट नाउ क्या कहना है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, हर वक्त तुम्हारी बातों को लेके मेमोराइज़ करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि तुम्हारे साथ में मेरी वजह से गलत हुआ और मैं इसके लिए खुद को माफ़ भी नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं लगता जैसे किसी और चीज़ में, और मैं इस चीज़ में जैसे कि मैं बिलीव भी करता हूँ कर्मा में या कर्मों का जो लेखा जोखा होता है उसमें, तो मुझे पता है इस चीज़ की सज़ा मुझे मिलेगी और कहीं ना कहीं सज़ा मुझे मिल भी रही है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे जैसे कि धिक्कार रही है इस तरह की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है। तो अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो यहाँ पर सीधे सीधे एक आंसर निकल के आता है आपके लिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, गलती आपकी नहीं थी, दिस पर्सन प्रोवोक यू, मतलब इन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, अगर ये ऐसा नहीं करते अपनी अपनी सीमा में रहते तो शायद आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता, बट दिस पर्सन सेक्रीफाइज यू, इन्होंने आपको हर तरह से सेक्रीफाइस कर दिया, जैसे कहते हैं ना समटाइम बुरा मत मानिएगा पर कहूँगी बलि का बकरा आप बन गए यहाँ पे और इस पर्सन के इमेज की आप बलि चढ़ गए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ आपके साथ में हुआ है, इस पर्सन की रेपुटेशन, इस पर्सन की इमेज, इस पर्सन का
जो भी कुछ रहा है वो बनाने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान है। आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में अगर सम्मान से जी रहे हैं, या फिर ये कहें कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में आज इनको मिल रहा है, वही सब प्यार जो इनके आसपास के लोग इन्हें दे रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाए, आप में भी झेप गए, या फिर कुछ लोगों ने आपकी सुनी नहीं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन को दे दिया, इस व्यक्ति को स्टिल आपने दे दिया, बिकॉज क्योंकि आप उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, या फिर आप उनसे प्यार करते थे, जो भी था, जो भी आपके मन में था। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी आपने कीमत बहुत बड़ी चुका दी है, और ये पर्सन जानते हैं। इवन दो कुछ लोग के लिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, इस पर्सन की फैमिली भी जानती है कि गलती इनकी ही थी, आपके आपके जो पर्सन है उन्हीं की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है ना, इंसान कभी कभी तो जैसे कहते हैं ना, रग रग से वाकिफ होता है। तो कुछ लोगों की मतलब फैमिली वाले जानते हैं, या उनके आसपास के जानते हैं, यार ये पर्सन ने उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया है, बहुत अच्छे से उसका फ़ायदा उठाया है, और आज अपनी लाइफ में हंस रहा है, बोल रहा है, फ्रेंड सर्किल वगैरह में जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चाहे लोग मुझे जिस भी तरह से देखते हों, लेकिन मेरे अंदर जो है वो शायद तुम समझ सको। मैं तुम्हें कह नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ये कहना चाहती हूँ तुमसे। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे हैं, जैसे कि बौछार है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेके बातों की, और ये बातें आपसे आपके पर्सन कहना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक सो मीटिंग नहीं हो पा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये खुद आपसे दूरी बना रहे हैं। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान कुछ गलत कर जाता है, और उसको सही करने के लिए उसको बहुत कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें वही करनी पड़ती हैं जो गलत है। तो गलत का साथ देने के लिए गलत इंसान बन जाता है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हैं इस वक्त, कि इनसे गलती हुई और उसको जस्टिफाई करने के लिए अगेन ये गलत पे गलत एक्शन लिए चले जा रहे हैं, जिससे आपको हर्ट भी हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र भी आती हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, जो रिग्रेट को, एक पछतावे को, एक गिल्टी को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी आग में ये पर्सन खुद झुलस रहे हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इनको पता है कि ये आपसे कभी नज़रें नहीं मिला पाएंगे, मे बी आप इनको कभी माफ़ भी ना कर पाएँ, ये आपसे खुल के बात नहीं कर सकते व्यूवर्स। कहीं ना कहीं मजबूरियाँ भी यहाँ पर नज़र आती हैं, जो इस व्यक्ति की तरफ से दिखाई देती हैं। तो यह है व्यूवर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए कुछ टैरो से भी यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस वगैरह। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं इनके पार्टनर के मैसेजेस। ओके, यू इंस्पायर मी, आपने उनको इंस्पायर किया, मे बी आपका जो कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर हो सकता है व्यूवर्स, उसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ये ऐसे पर्सन ये खुद कह रहे हैं कि मैं क्या हर एक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, या हर एक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सका, जिसकी तरफ मैं अपने आप को बढ़ाने से रोक नहीं सका। तो आपका जो नेचर है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पोलाइटनेस है आपकी बातों में, काफ़ी मतलब एक हम्बल नेचर आपका हो सकता है, जो इस व्यक्ति को काफ़ी पसंद आया जो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। और वही कहते हैं ना, कभी कभी हम्बलनेस ज़्यादा ही हो तो वो परेशानी दे जाती है खुद को, तो आपके साथ में वही हुआ। I don't know how I feel anymore. आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ में जो फीलिंग हो रही है, या जो सब मेरे साथ में चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को मैं कैसे आगे लेके चलूँ, ठीक है। तो जैसा पहले आपके पर्सन फीवर्स इस समय पहले आपके लिए फील कर रहे थे, राइट ना, वैसा फील नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज कि सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से इन्होंने अपने बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ रोके हैं और आपको सेक्रीफाइस किया। आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी लाइफ में अब स्टेबल हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ आपके ऊपर आ गया, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, लोग जैसा देख रहे हैं मुझे वैसा नहीं है, मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैंने बताया था आपको, ये पश्चात आपकी आग में जल रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। तो द ग्रास वजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आपके पर्सन कह रहे हैं जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। आपके पर्सन यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं आपको, बहुत बुरा समझ रहे हैं खुद को, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है। आपके पर्सन कह रहे हैं आप वो डिज़र्व नहीं करते, आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ में ट्रीट किया है, ये इनको रियलाइजेशन है कि यार इस व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी आई कुडंट डू राइट बाई यू। आपके पर्सन कह रहे हैं सॉरी कि मैंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, सॉरी, जस्ट आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मे बी उनको पता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ी जस्ट एक वर्ड है, लेकिन वो जख्मों को नहीं मिटा सकती जो जख्म आपको मिले हैं, ठीक है। मे बी वी वर जस्ट टू डिफरेंट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार हम दोनों एक दूसरे से जस्ट अलग हैं, डिफरेंट हैं, मतलब आप
बहुत अलग हो, ये बहुत अलग है जस्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना व्यूअर्स कि जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने अपने बारे में सोचा, आपने अपने बारे में नहीं सोचा, या फिर आपने फिर भी चीज़ें करने की बेहतर कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई, वो सेल्फिश हो गए, आप सेल्फिश नहीं हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, जो मैंने यहाँ पर रीडिंग में भी देखा था। ऑल राइट, तो आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि राइट नाउ कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें अपने दिमाग में, क्योंकि इनके उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची हुई है। बहुत समय से ये उन चीज़ों को सोच रहे थे, लेकिन अब धीरे 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 चीज़ों को ये अपने माइंड में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके दिमाग में हर वक्त रहते हो। ठीक है, तो इनका दिमाग ऐसा है जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन आपके पर्सन उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को रिलीज़ करवाने की यहाँ पे कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यूअर्स रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।